बाबू एनसीएल एमसीएल के बच्चों के लिए अभी समय कम है, इसलिए हम वेंटिलेशन का रेगुलेशन 153 से ऑनवर्ड सुपर फास्ट स्पीड में समझाएंगे, ठीक है। हम दो टूल क्वेश्चन आपको सिंपल के लिखे है, लेकिन हम 153 से आगे पूरा समझाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। इसके पहले हम दो चीज पे बहुत कम समय में चर्चा कर लेना चाहते हैं, एक डस्ट के ऊपर दो लाइन और ड्रिंकिंग वाटर। डस्ट से बचने का क्या उपाय है या साधन है, डिवाइसेस है, तो उसमें आंसर आता है डस्ट मास्क या रेस्पिरेटर। एक बच्चा हमको कमेंट करके लिखा कि क्या सर गागल लगाने से भी आग को डस्ट बच जाएगा, तो हम समझ गया कुछ फेरा है बच्चे के समझने में। देखिए डस्ट का दिक्कत क्या है, डस्ट से क्या प्रॉब्लम होता है हमको। डस्ट यदि हम इनहेल करते हैं, डस्ट यदि हम नाक के थ्रू जाता है लंग्स में, तो लंग्स में डस्ट डिजीजेस हो जाता है, जिसको हम न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। क्या हुआ डस्ट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हुआ, यदि हम डस्ट लेडन एयर को, धूल भरी हवा को यदि हमारे फेफड़ों में लेते हैं, तो फेफड़ों में बीमारी हो जाती है, डस्ट संबंधित बीमारी हो जाती है, लंग डिजीजेस हो जाती है, और वो लंग डिजीजेस को हम न्यूमोकोसिस बोलते हैं। न्यूमोकोसिस के भी कई प्रकार हैं, ये जनरल टर्म है न्यूमोकोसिस। न्यूमोकोसिस के कई प्रकार है कि यदि कोयला डस्ट के को हमने इनहेल किया और उसके चलते लंग डिजीज हुआ, तो उसको बोलते हैं कोल माइनर्स न्यूमोकोनियोसिस। सिलिका डस्ट को इनहेल करने से लंग में जो डिजीजेस होगा उसको बोलेंगे सिलिकोसिस। एस्बेस्टस के कारण एस्बेस्टस डस्ट को इनहेल करने से जो बीमारी होगी उस बीमारी को बोलेंगे एस्बेस्टोसिस। आयरन ऑक्साइड डस्ट को इनहेल करने से जो लंग डिजीजेस पैदा होगी उसको बोलेंगे सिडेरोसिस। बेरिलियम डस्ट के इनहेल करने से जो बीमारी होगी, लंग्स की डिजीज होगी, उसको बोलेंगे बेरिलियोसिस। दीज आर द न्यूमोकोसिस, जितने भी नाम बताए ये न्यूमोकोसिस के टाइप से ये क्लासिफिकेशन है कि किस डस्ट के कारण कौन सा बीमारी हो रहा है, लंग डिजीजेस है। तो डस्ट के कारण आपको लंग में ना प्रॉब्लम होगा बेटा, आपके लंग को बचाना है, तो लंग को बचाना है आपके सेप्टिक साथ हेल्थ भी कंसर्न रहता है, तो आपको लंग्स को बचाना है कि आग को बचाना है डस्ट से, लंग्स को बचाना, तो लंग्स को बचाना है तो आपको डस्ट मास्क या डस्ट रेस्पिरेटर इस्तेमाल करना चाहिए। डस्ट रेस्पिरेटर का कितने कितने दिन में इंस्पेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, वो सब वहां बताया है, कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा। और ये हो गया, और आपको डस्ट को सोर्सेस पे ही आपको रोक देना है कि बनना कम करना है, डस्ट रिडक्शन करना है, क्या करते हैं शार्क बिट का इस्तेमाल करते हैं, और जब उड़ने लगता तब ना हम वाटर स्प्रिंग करते हैं, ठीक है। वेट ड्रिलिंग करना है आपको, ड्रिल कर रहे तो वेट ड्रिलिंग करना है, शार्प बीट एकदम तेज पजा हुआ बीट इस्तेमाल करना है ताकि डस्ट कम जनरेट हो। वेट ड्रिलिंग करना है, वेट कटिंग अरेंजमेंट हो गया, और जो आपके जैसे सरफेस माइनर है ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में कंटिन्यूस माइनर है, सियरर है, प्लाउ है, इनमें एक सिस्टम होता है कि जब तक कटिंग नहीं चालू होगा, जब तक कि वाटर स्प्रेइंग उसके बीट पे ना पड़े, उसकी छुरी पे ना पड़े, ड्रम में जो कटिंग बीट लगे रहते हैं, ठीक है, जब तक कटिंग ही चालू नहीं हो, मतलब इंटरलॉकिंग ऑफ कटिंग एंड वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट, ये सब है डस्ट रिडक्शन को कम करने के उपाय। क्या क्या बोला, इंटरलॉकिंग ऑफ कटिंग एंड वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट, ये हो गया इक्विपमेंट, जहां कोयला काटता है, जहां ड्रिलिंग होता है तो वेट ड्रिलिंग, और शार्प बिट इस्तेमाल करेंगे आप। इतना क्लियर हुआ। ड्रिंकिंग वाटर, आपके जो भी ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट आप बनाते हैं, चाहे अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, अबो ग्राउंड हो, अबो ग्राउंड मतलब वर्कशॉप हुआ आपका, टाइम ऑफिस के आसपास का जगह, आप कहीं पर भी उसको बनाते हैं ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट को, वो आपके वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लेट्रिन से 6 मीटर दूर रहना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा हर आदमी को आपको 2 लीटर पर पर्सन के हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, लेकिन जहां पर वेटबल टेम्परेचर 30 डिग्री ज्यादा हो जाए वहां पर आपको 3 लीटर पर पर्सन, 30 डिग्री ज्यादा बोला है, 3 लीटर पर पर्सन आपको वाटर सप्लाई करना होगा। ये दो क्वेश्चन लेते हैं और फिर रेगुलेशन
T3 से आगे बढ़ेंगे, दो दो चार चार लाइन में, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, ताकि आपका भी एग्जाम है उतना ही हम बताएंगे। परसेंटेज ऑफ इन्फ्रेंट डज नॉट एक्सीड ब्लैंक इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न ईयर, और तीन ऑप्शन दिए 0.75, 1.25 और एक दो कोई लिख देगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ क्या बोला है? कि जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न ईयर में परसेंटेज किससे अधिक नहीं होगा, ये बोला नॉट एक्सीड, ये तीन ऑप्शन दिए। ये रेगुलेशन 153 का क्वेश्चन है। और एक दिया इलेक्ट्रिक सप्लाई शैल बी कट आर डिसकंटिन्यूड फ्रॉम ऑल एपरेटस व्हेन परसेंटेज गैस, अब सब 1.25 लिख दिया। देखिए कि कब बिजली काट देना है, जब इन्फ्रेंट गैस कितना होगा, तब 1.25, लेस देन 1.25, मोर देन 1.25, ठीक है। यह है रेगुलेशन 169 का और यह है 153 का। तो हम क्या करते हैं, इसको सबको लेंगे अभी इसी वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी डिलीट कर देते ताकि आप लोग को यहां हमको समझाने के लिए स्पेस प्रोवाइड हो जाए। रेगुलेशन 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, बेटा इसको हम चार लाइन में बताएंगे, बहुत ज्यादा आगे बकाना नहीं। इसमें दो ठुल तो बात बोला है, एक दिया है क्वांटिटेटिव और एक दिया है क्वालिटेटिव, दो स्टैंडर्ड दिए हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में क्या दिया, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में कुछ नहीं दिया है, इतना भर दिया है 6 क्यूबिक मीटर पर पर्सन, 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन, ठीक है। आर समझा रहे, इसको आर क्या बोलता है, 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन डेली आउटपुट, पर टन डेली आउटपुट, ठीक है। अब बेटा एक बच्चा लिख रहा था कि लार्जेस्ट शिफ्ट किसको, ए शिफ्ट को बोलता है, भैया ए और बी शिफ्ट नहीं होता है, वो रिले होता है, रिले ए, रिले बी, रिले सी, ठीक है। शिफ्ट अलग चीज होता है, शिफ्ट का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ योर वर्किंग पीरियड, पीरियड को बताता है शिफ्ट, जैसे 6 से 2 ये हुआ आपका शिफ्ट, 2 से 10 ये हुआ आपका शिफ्ट, 10 से 6 ये हुआ शिफ्ट। और रिले का मतलब था ग्रुप ऑफ पर्सन, रिले का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन। हमने एक असिस्टेंट मैनेजर साहब के अधीन 35 आदमी का एक असिस्टेंट मैनेजर साहब है, एग्जाम्पल के लिए रजत साहब, और रजत साहब के अंडर में हमने दे दिया 50 आदमी, वो एक रिले हो गया, उसका नाम दिया हमने मान लो ए। उसके बाद एक है कोई भौमिक साहब, भौमिक साहब के अंडर में मैंने 60 आदमी दे दिया, वो मान लो उसका नाम दिया मैंने बी। उसके बाद कोई एक और असिस्टेंट मैनेजर प्रदीप दुबे साहब, उनके अंडर में दे दिया 40 आदमी, तो दे दिया। तो वो जो जिनका भी हम नाम बताए वो हो गए उनके हेड, और ये जो वो ग्रुप ऑफ पर्सन हुआ 60 आदमी का, 50 आदमी का, 40 आदमी का, ये हुआ रिले, ठीक है। और रिले का नाम हमेशा वही रहेगा, मेरा नाम गुणवंत बेले तो सुबह भी गुणवंत बेले, शाम को अलग हो जाएगा क्या, अरे गुणवंत बेले ही रहेगा जब तक इस धरती पर है, धरती गिरने के बाद भी नाम यूज होता है, ठीक है। तो अब कोई रिले ए का फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट मतलब सुबह 6 से 2 था, तो क्या वो जब फर्स्ट के बाद नाइट आएगा तो क्या उसका नाम ए से बी हो जाएगा, नहीं, वो रिले वही रहेगा। रिले ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए आपने नाम दे दिया, जैसा इस शरीर को नाम दिया है गुणवंत बेले, वैसे वो ग्रुप ऑफ 50 आदमी 40 आदमी जो भी आपके पास होगा उसको आपने एक नाम दिया ए रिले। तो वो चाहे 6 से 2 बजे में ड्यूटी करे तो भी वो ए रिले होगा, 2 से 10 में भी करे तो भी ए रिले रहेगा, और 10 से 6 में भी ड्यूटी करेगा, 10 रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भी ड्यूटी करेगा तो वो ए रिले ही रहेगा। उसका शिफ्ट का टाइमिंग चेंज हो रहा है, रिले कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। रिले मींस ग्रुप ऑफ पर्सन और शिफ्ट मतलब पीरियड ऑफ वर्किंग, वर्किंग पीरियड इज नोन एज
शिफ्ट, हम शिफ्ट और रिले को माइंडसेट के प्लेलिस्ट में समझाए हैं, जाके देखिएगा। और नहीं तो भाई जिन्होंने ऐसे भी कई कई है यूट्यूब में, हमारे पटेल साहब एक दिन एक नमूना का वीडियो दिखा रहे थे कि उल्टा उल्टा कुछ कुछ बोल रहा था, तो जिन्होंने ना रिले देखा ना शिफ्ट देखा ना माइंस का मुंह देखा है वो कब बताएगा, उसका भी सोचना चाहिए। योगी बोले लार्जेस्ट शिफ्ट कौन सा होगा? अरे भैया लार्जेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा आदमी काम करते हो ना लार्जेस्ट शिफ्ट हुआ यार। जिस भी शिफ्ट में आपके पास क्या क्या चार शिफ्ट होता है, चार रिले होता है आपका, एक जनरल शिफ्ट होगा, सॉरी रिले तीन रहेगा, शिफ्ट चार रहता है ना, एक जनरल शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो चार शिफ्ट होता है। तो जिस ये चारों में से जिसमें ज्यादा आदमी होगा वो ना लार्जेस्ट शिफ्ट हुआ बाबू, वो ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। मान लो कोई कारण से मैंने नाइट में ज्यादा आदमी बुला लिया, जनरली क्या होता है आपका जनरल शिफ्ट में ज्यादा आदमी होता है जनरली, लेकिन मान लो मुझे कोई विशेष काम था और मैं नाइट का भी जनरल का भी सब आदमी को डाइवर्ट कर दिया एक दो या चार दिन के लिए नाइट शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट का तो आदमी मेरे पास ऑलरेडी है, तो लार्जेस्ट शिफ्ट क्या होगा? जिसमें ज्यादा आदमी काम कर रहा है, वो किस पीरियड में काम कर रहा है उससे मतलब नहीं, जिस पीरियड में आपका सबसे ज्यादा आदमी काम करेगा वो लार्जेस्ट शिफ्ट। अब ये क्या बोलता है, छोड़ो अब उसको लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, कि आपको कैसा हवा प्रोवाइड करना है, क्वांटिटेटिव 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन इम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द लार्जेस्ट शिफ्ट, ये बोलता है। आर बोलता है यार नॉट लेस देन, क्या बोलता है, नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर टन डेली आउटपुट, या इस हिसाब से आपको हवा प्रोवाइड करना है या इस हिसाब से, फिर इनमें क्या होता है, विच एवर इज मोर, क्या बोलता है, विच एवर इज मोर, इन दोनों हिसाब में से जो ज्यादा आएगा उसको लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरा 100 आदमी है तो 100 × 6 हो गया 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट एयर हो गया। मान लो एक दिन का मेरा प्रोडक्शन है 300 तो 300 × 2.5 करूंगा क्यूबिक मीटर पर मिनट आ गया, तो ये हो जाएगा मुझे लगता है 750 कितना हो जाएगा 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो जाएगा। अब इन दोनों हिसाब में से कौन सा ज्यादा है, 600 ज्यादा है कि 750 ज्यादा है, ये ज्यादा दिख रहा मुझे, तो आपको भी 750 ज्यादा दिख रहा होगा, तो 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट जो है हमको हवा रखना होगा। लेकिन ये हवा बहना कहां से चाहिए, ये हवा का क्वांटिटी डिस्ट्रिक्ट के मुंह पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट के सबसे आखिरी वाले भाग से ही इतनी क्वांटिटी एयर बहना चाहिए। क्या बोलता है वो, विच एवर इज मोर पासेस अलॉन्ग द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, हम कई बार एलवीसी लिखे होंगे, एलवीसी लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन विच मींस द इन बाय मोस्ट गैलरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे आखिरी वाली जो गैलरी है, जो सबसे अंदर वाली गैलरी है, उसके बाद सीधा हवा कहां जाएगा रिटर्न में, उस जगह पर इस क्वांटिटी का बहना चाहिए एग्जांपल के हिसाब से, नहीं तो अब 750 ही बहा देना तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हम जो एग्जांपल लिए थे उसके हिसाब से बोल रहा हूं, ये जो इन दोनों हिसाब में से जो अधिक क्वांटिटी आई थी वो क्वांटिटी डिस्ट्रिक्ट के सबसे आखिरी अंदर वाली जो गैलरी है उससे बहना चाहिए, एक बार। दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव, दूसरा क्या है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव में बहुत कुछ नहीं बेटा, तीन गो चीज है और उसी में बच्चा लोग फेल होके आता है। एक है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है परसेंटेज ऑफ CO2, फिर आगे और बता रहे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नॉट लेस देन 19% होना चाहिए, कितना, नॉट लेस देन 19%, यहां परसेंट लगा देती, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ CO2 नॉट मोर देन, अरे ये खराब चीज है, खराब चीज ज्यादा नहीं होती, तो नॉट मोर देन 0.5। अब इसी का मान लो दे दिया 0.5, नॉट मोर देन 0.5, लेस देन 0.5, उसमें बच्चा गड़बड़ा जाएगा। अरे भाई कॉन्शियस लगाइए, अब अपना दिमाग लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा चीज है क्या, नहीं, जहरीला गैस, तो जहरीला गैस है, जहरीला गैस क्या ज्यादा रहनी चाहिए कम रहनी चाहिए, तो नॉट मोर देन 0.5, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आधा परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद
चार गो तो दिए ही एयर क्वालिटी टू परसेंटेज ऑफ CH4। CH4 मतलब इनफर्नल गैस मिथेन। CH4 मतलब क्या हुआ बेटुआ? मिथेन गैस, या जिसको हम इनफर्नल गैस बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसका दो स्टैंडर्ड है, इसके लिए कितना स्टैंडर्ड है? दो। एक है कि जो आपका जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में ये 0.75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.75। यही वाला ना पूछा था वहां पहला क्वेश्चन, क्या पूछा था? द परसेंटेज ऑफ इनफर्नल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट एक्सीड 0.75। ये परसेंट ऑफ CH4 नॉट मोर देन 0.75 कहां पे? इन द जनरल बॉडी, जीबी लिख दिया, जीबी का मतलब जनरल बॉडी, जीबी मिश्रा साहब मत पढ़ लेना बाबू, इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर और जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर दोनों अलग अलग चीज है, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, वो वर्ड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ CH4 डज नॉट एक्सीड 1.25 एट एनी प्लेस इन द माइंड। माइंड के किसी भी प्लेस पर, जगह पर CH4 नॉट मोर देन 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा 169 से लिया था, 169 का सब रेगुलेशन 1 का ई है, वो जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था क्वेश्चन नंबर 2, क्या था कि कब बिजली काट देना चाहिए? तब बिजली काट देना चाहिए जब इनफर्नल गैस 1.25% से अधिक हो जाए, व्हेन इनफर्नल गैस एक्सीड 1. एक्सीड मतलब अधिक हो जाना, मोर देन हो जाना, अधिक, व्हेन परसेंटेज ऑफ इनफर्नल गैस एक्सीड्स 1.25% पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई शैल बी कट और डिसकंटिन्यू फ्रॉम ऑल केबल्स एंड अपैरेटस। ये था 169 का सब रेगुलेशन 1 का ई है वो, ठीक है। कब बिजली काट देंगे बेटा? जब इनफर्नल गैस 1.25 से अधिक हो जाए। और आपका रेगुलेशन 153 का स्टैंडर्ड बोलता है कि 1.25% से इनफर्नल गैस किसी भी जगह पर अधिक नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना होगा, आपको इतना अच्छा वेंटिलेशन करना है कि किसी परिस्थिति में ये इससे ज्यादा ना हो, और जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में CH4.75% से ज्यादा ना हो, ठीक है। इतना क्लियर हो? और एक और तीन वन है, चौथा एक है टेम्परेचर ऑफ वेस्ट बल्ब, टेम्परेचर ऑफ WB लिख दे रहा हूं बेटा, वेस्ट बंगाल मत बूझना बाबू, WB मतलब वेस्ट बंगाल मत, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब लिखा हूं, टेम्परेचर वेट बल्ब। अब इसके ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन पूछेगा, और यदि हम सेटर रहते तो हम तो वैसा नहीं पूछते, हम पूछेंगे 31 डिग्री है, 31 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर है, बताइए क्या करना है, ठीक है। मतलब आपने रेगुलेशन समझा है तो आप लिखिएगा, नहीं समझा है तो नहीं लिखिएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या बोलता है? कि माइंड के किसी भी भाग में वेट बल्ब टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड, ये सिंबल है बेटा डज नॉट एक्सीड का, नॉट मोर देन का, डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री, ठीक है। एंड वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स, एंड वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स 30.5 डिग्री, और जहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, अभी हम बोले ना 31 डिग्री हो जाए क्या कीजिए, वही वाला बात, 32 डिग्री हो जाए क्या कीजिएगा, मतलब 30.5 डिग्री से अधिक है तो आपको क्या करना है? वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सेप्ट 30.5 डिग्री, 30.5 डिग्री से ज्यादा यदि वेट बल्ब टेम्परेचर है तो यू हैव टू प्रोवाइड वेलोसिटी ऑफ एयर एट नॉट लेस देन, ख्याल रखिएगा, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। आपको एयर वेलोसिटी कितना प्रोवाइड करना है बेटा? यदि वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री के ऊपर हो जाए तो आपको एयर वेलोसिटी नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड करना है, याद रखिएगा, नॉट लेस देन, मोर देन में फंसिएगा। यदि मान लो मैं 32 डिग्री बोल दिया कि 32 डिग्री
वर्टिकल टेम्परेचर है, तो आप कितना एयर वेलोसिटी रखिएगा, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, यदि ऑब्जेक्टिव आ गया तो ऐसा कीजिएगा। और आप 169 का सब रिजोल्यूशन 2 में बताया था, हम बहुत बढ़िया से आप लोग के लिए एनसीएल एमसीएल वाले के लिए पीडीएफ तक भेज दिया है, एक 169 का भेजे थे ना, पार्ट 63 भेजे होंगे लगता है या 62 भेजे होंगे, जो एनसीएल एमसीएल का पार्ट 62 या 63 है उसमें भेजे है, उसमें सब दो ही तो सब रेगुलेशन था, एक था एक में पास था सब क्लाजेस पास था, और दो में क्या बताया था कि हीट एंड ह्यूमिडिटी वाला जो चीज था कि आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का रीडिंग जो है 30 दिन में एक बार मेजरमेंट करेंगे, यहां भी बोलता है वही ठीक है। और एयर सैंपल का जो है परसेंट एवेलेबल गैस का के लिए जो हम परसेंट एवेलेबल गैस डिटरमाइन करते हैं उसका वहां 169 में पूरा जिक्र है, 7 दिन में कब लीजिएगा, 0.8 हो जाएगा तो कब लीजिएगा, 0.6 हो जाएगा तो कब लीजिएगा ठीक है, उसको बढ़िया देख लीजिएगा एक बार। तो स्टैंड अप वेंटिलेशन इतना हुआ, इसके आगे का चीज लेते हैं। अब इसके आगे का चीज है 154, क्या है बेटा 154 में क्या है, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर इट्स ड्राइव एंड फिटिंग, नाम क्या है बेटा मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। अरे मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर कुछ नहीं होता बेटा, सरफेस में बड़का सा पंखा ना लगा रहता है अंडरग्राउंड माइन में, अंडरग्राउंड माइन के सरफेस में बड़का सा पंखा लगा रहता है, उसी को बोलते हैं मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर MMV, क्या बोलते हैं मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर, माइन के सरफेस पर जो पंखा बैठा हुआ है अंडरग्राउंड उसको बोलते हैं मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर ठीक है। इसका क्या बताना है, ड्राइव एंड इट्स फिटिंग, सबसे पहले तो इसका इंस्टॉलेशन देखिए जो आपके एग्जाम में आएगा, आपका जो भी मैकेनिकल वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर, एक मिनट पानी पीने दीजिए बाबू, एक बड़ा जरूरी चीज, ये मान लो मेरा शाफ्ट है, क्या है मेरा ये शाफ्ट है, या कोई इंक्लाइन भी हो सकता है, बढ़िया से नहीं बना उस तुमको लेन देना नहीं, और यहां पर मैंने एक क्या लगाया है आपका ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाया है सरफेस पर, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये क्या आपका, ये मान लो ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट है और ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, तो आपका रेगुलेशन 154 क्या बोलता है कि आप ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को सरफेस पर, माइन के सरफेस पर बैठाएंगे, ऐसा बैठाएंगे कि इसका डिस्टेंस जो है शाफ्ट से नॉट लेस देन 10 मीटर रहे, क्या बोल रहा है बेटा नॉट लेस देन 10 मीटर, इसी में जाइएगा मोर देन नॉट मोर देन, इसे बड़े याद रखिए, क्या बोला मैंने मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम द शाफ्ट आर इंक्लाइन आर एनी अदर माइन ओपनिंग, समझ आए, कोई बहुत बड़ा दिक्कत है क्या बोला हमने, अरे ये कोई शाफ्ट होगा या इंक्लाइन होगा उससे आपका जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेगा, नॉट लेस देन 10 मीटर, नॉट लेस देन 10 मीटर, बड़का वाले पंखा में कितना बोल रहा हूं बेटा नॉट लेस देन 10 मीटर ठीक है, काहे ऐसा बोल दिया, अरे भैया पास में डाल देंगे, तो हम जनरली क्या यूज करते हैं आजकल इंडिया में, जनरली हम एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं, हवा खींचते हैं माइन से, और ये आपके हिसाब से क्या होगा हवा अंदर जाएगा इनटेक एयर, तो यदि इसको हम यही बैठा दिए, यहां मेरा शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, यहां पंखा बैठा दिया 2 मीटर का डिफरेंस है दोनों में, तो ये बाहर जो हवा छोड़ रहा था माइन का गंदा हवा, वो गंदा हवा इस शाफ्ट से अंदर चले जाएगा, जिसको बोलते हैं रिसर्कुलेशन, वहीं का वहीं आके घूम फिर गया तो वो रिसर्कुलेशन हो गया ठीक है, इसलिए कम से कम 10 मीटर बोलता है, नॉट लेस देन 10 मीटर पे आपका सिचुएटेड रहेगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, कोई दिक्कत है बेटा, दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा ठीक है, लेकिन हम 10 ये तो रेगुलेशन बोलता है, हम बहुत दूर रखते हैं और दूर रखते हैं एक्चुअल लाइफ में ठीक है,
क्यों? क्योंकि रिसर्कुलेशन हो जाएगा, मतलब आपका पूरा गंदा हवा जाने इसी के अंदर घुस जाएगा सांप के अंदर से। इसी रिसर्कुलेशन को रोकने के लिए आपका रेगुलेशन बोलता है, मिनिमम डिस्टेंस दे दिया उसने, क्या बोला कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम द शाफ्ट आर इंक्लाइन। हो गया, आगे बढ़ते। इसमें दो और चीज बोलता है, मैं ये तो मेन मैकेनिकल, इसका ड्राइव, ड्राइव और फिटिंग्स, ये दो और चीज है ना। ड्राइव मतलब किस चीज से चलाया जाएगा, पावर चीज ना। तो बोलता है कि इसको जो पावर सप्लाई देंगे, इस मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को जो आप पावर सप्लाई देंगे, आपका सब स्टेशन होता है, कभी सब स्टेशन को विजिट कीजिए, वहां पे अलग अलग फीडर होते हैं, ये यहां को जा रहा वहां के, मतलब इसको अलग सर्किट के द्वारा एक पावर दे देना होगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को, रेस्ट ऑफ द माइंड के साथ इसको अलग कर देना है, ठीक है। एक और दूसरी बात क्या बोलता है कि टू अल्टरनेटिव पावर सोर्स, आपको दो पावर सोर्सेस रखना होगा बिलो ग्राउंड कोल माइन में यदि आप मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इतना क्लियर हुआ? फिटिंग्स में क्या क्या आएंगे बेटा? वाटर गेज देखे, एक तेरा टाइप का ट्यूब रहता है, वाटर गेज हो गया, वो क्या करता है कंटिन्यूसली प्रेशर को रिकॉर्ड करता है, एयरलॉक होता है, जहां से आदमी जिस शाफ्ट में आदमी आना है जाना है वहां पर एयरलॉक शाफ्ट के ऊपर रखते हैं, और फैन ड्रिफ्ट और जो शाफ्ट है उसके बीच में भी एयरलॉक का प्रोविजन रहता है। एयरलॉक में कुछ होता है, 3 गो डोर रहता है अंदर में, और शाफ्ट के ऊपर रहेगा तो उसको ढक देते हैं, ठीक है, ये तय रहता है, कुछ नहीं है। इसके अलावा 1994 में जो एक्सीडेंट हुआ था, मिंटेक में फायर लग गया था, उसके चलते बहुत सारे आदमी मारे गए न्यू केंदा में, ईसीएल में एक माइंस है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा हल्ला हुआ कि रिवर्सल ऑफ एयर करंट कर दिया होता, मतलब इंटेक को रिटर्न और रिटर्न को इंटेक बना दिया होता तो बहुत सारे आदमी बच गए होते, जान बच जाती। इसको बोलते हैं, इसके लिए रिवर्सल अरेंजमेंट भी आपको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में रखना है। रिवर्सल क्या होता है, कैसे होता है, उसके खतरे क्या है, वो मेरा रिवर्सल वाले में देखिएगा, अभी अपने पास समय नहीं है, नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। दो छोटा छोटा क्वेश्चन लिखते हैं ताकि हम जो चीज बताएंगे वो आपको समझ आ जाए, फिर नेक्स्ट रेगुलेशन बताते हैं। बेटा ये देखो, रेगुलेशन 155 से एक लिया ऑब्जेक्टिव, 156 तीन से एक, 156 आठ से एक, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, सबसे पहले ये बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ लिख के आता है, इन एवरी माइंड इन विच ए मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर सेल वंस एटलीस्ट इन एवरी डेज बी मेजर्ड। मतलब क्या हुआ कि हर ऐसी माइंड जिसमें मैकेनिकल वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है वहां पर क्वांटिटी ऑफ एयर का मेजरमेंट, हवा का मापी कितने दिन में कम से कम करते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा 14 दिन, 30 दिन, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा, और आगे और एक है, ये जनरली पूछेगा भी नहीं आपको, ठीक है, कभी पूछ लिया तो भी, एंड इन नॉन पायरियर पांच डिग्री गैसेस में कितने दिन में एक बार करते, ठीक है। और सिर्फ मान लो ये ऊपर भर का पोर्शन आया है कि सिर्फ क्या लिखा, इन एवरी माइंड इन विच मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर सेल वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 डेज, अब बाकी कुछ नहीं लिखा है तो आप ये याद रखिएगा, कहने का मतलब ये बोल रहा हूं कि डिग्री 2 डिग्री 3 गैसेस में फायरिंग सिम में 14 दिन में एक बार, लेकिन यहां लिखा है क्या रेगुलेशन में, नहीं लिखा, उसी में बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, और बाकी जगह फिर उसके नीचे लिखा है कि नॉन फायरिंग सिम है, मतलब फायरिंग सिम नहीं है, और डिग्री 1 गैसेस है तो उसमें 30 दिन में एक बार, उसमें 30 दिन में एक बार, लेकिन कहीं कोई इग्री डिग्री कुछ नहीं लिखा है, और यदि ऐसा है इन एवरी माइंड इन विच मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर सेल वंस एट लीस्ट इन एवरी 14 डेज बी मेजर्ड, मतलब हर 14 दिन में एक बार मेजरमेंट करेंगे हवा का, ठीक, और नॉन फायरी सिम और डिग्री 1 के सिमन यदि पर्टिकुलरली पूछा है तब 30 लिखेगा, बाकी जगह कितना लिखेगा हवा का मेजरमेंट बेटा 14 दिन, कितना 1/14 डेज, ठीक है। यदि आपको स्पेसिफिकली लिखा है कि डिग्री 1 के सीमा है
या नॉन फायरी सीम है तब आप लिखिएगा 30 दिन एयर मेजरमेंट क्या है पीरियड, बाकी टाइम में आपको कितना लिखना है 14 दिन। इसी में कभी आता है कि 14 लिखू कि 30 लिखू, 14 लिखू कि 30 लिखू, कितना लिखेंगे बाकी टाइम में 14 दिन 1/4 14 डेज। और नॉन फायरी सी में डिग्री वन एसी माइन में कितना लिखेगा 30 दिन। ठीक, नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी पेन एंड बूस्टर पेन वंस एटलीस्ट इन एवरी ब्लैंक डेज। आपका जो ऑक्सिलरी पेन होता है और बूस्टर पेन होता है जो अंडरग्राउंड में यूज होता है उसका एग्जामिनेशन कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं 7 दिन में एक बार करते कम से कम। ठीक है, और ब्लैंक डेज प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल बूस्टर पेन एंड नोटिस शैल बी सेंड टू। कितना, पहली बात तो बेटा बूस्टर पेन क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या इफेक्ट होता है मेरा वेंटिलेशन एंड न्यूमेरिकल में जाके देखिएगा, अभी उतना समय नहीं है। इसको जनरल लगाना ही चाहिए बूस्टर पेन को, बहुत जरूरत हो तब लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम भी होते हैं। ठीक है, वो कभी वहां जाके देखिएगा या कभी चर्चा करेंगे आप लोग के साथ। तो कितने दिन पहले यदि आपको बूस्टर पेन लगाना है तो कितने दिन पहले आप नोटिस देंगे और किसको देंगे? 7 दिन पहले देंगे। कितना दिन पहले देंगे? 7 डेज प्रायर। और किसको देंगे? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। किसको देंगे? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देंगे 7 दिन पहले। और बूस्टर पेन लगाने के पहले मैनेजर साहब जो है वो क्या करेंगे, माइन का वेंटिलेशन सर्वे कराएंगे और उस सर्वे कराने के बाद उनको ये लगता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यस मुझे बूस्टर पेन लगाना है, तब ही बूस्टर पेन लगाया जाएगा। यदि कोई ऑप्शन है कि बिना बूस्टर पेन लगाए वेंटिलेशन भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो उन ऑप्शन पर मैनेजर क्या करेंगे, विचार करेंगे और वो अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ये तभी इस्तेमाल करेंगे जबकि कोई और चारा, कोई रास्ता आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वेंटिलेशन सर्वे कराएंगे। उस वेंटिलेशन सर्वे का भी पर्टिकुलर्स इस नोटिस के साथ जाएगा, जिस जगह बैठाना है उसका भी डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसको कहां बैठाते हैं? न्यूट्रल पॉइंट पर बैठाते हैं। कहां बैठाते हैं बूस्टर पेन को? न्यूट्रल पॉइंट पर बैठाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना देखते हैं, इसके आगे के वेंटिलेशन के रेगुलेशन हम दूसरे वीडियो में देखते हैं।